देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पॉपकॉर्न हमारे तैयार है। पॉपकॉर्न के प्रेशर से इसका ढक्कन ही उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ पॉपकॉर्न जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और उनको स्नैक्स के तौर पर आप बना के दे सकते हैं। बिल्कुल 4 से 5 मिनट के अंदर पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं और कोई भी किराना स्टोर पे आपको पॉपकॉर्न के बीज बोले तो मिल जाते। और बाज़ वक्त बीज अगर सही नहीं रहे तो पॉपकॉर्न सही नहीं बनते। बाज़ वक्त आप देख के वीडियो ट्राई करेंगे फिर आप सोचेंगे कि अरे ये बने नहीं। बाज़ वक्त आपकी भी गलती नहीं रहती है और हमारी बताने वालों की भी गलती नहीं रहती। बाज़ वक्त बीन्स की क्वालिटी ख़राब रहती तो भी सही नहीं बनते। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल, जो कुकिंग ऑयल रहता वो ऑयल डालना। ऑयल डालने के बाद ऑयल पॉपकॉर्न के बीन्स के ऊपर आना 1/2 इंच। जब तक हम ये तैयार करें और भगोना बर्तन जिसमें बना रहे हैं उसको चूल्हे पर रख देना गर्म होने के लिए। जब तक ये रेडी कर देंगे 2 मिनट का टाइम लगता, 2 मिनट में बर्तन भी हमारा गर्म हो जाता। अब उसको अच्छे से हम मिला लेंगे। नमक बनने के बाद बुरबुरा लेना जितनी ज़रूरत है। इसके लिए बर्तन रख दी, बर्तन अच्छे से गर्म हो गया और फ्लेम को धीमा कर देंगे 2 मिनट इसका वेट करेंगे आवाज़ आने का। अब बर्तन में से अब पॉपकॉर्न बनने की आवाज़ ही शुरू हो गई, आवाज़ें हल्की हल्की शुरू होगी तो फ्लेम को तेज़ कर देंगे। इसको टच नहीं करना। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पॉपकॉर्न हमारे तैयार है। पॉपकॉर्न के प्रेशर से इसका ढक्कन ही उठ गया। आवाज़ बंद होते ही फ्लेम को बंद कर देना। पॉपकॉर्न हमारे तैयार है। फ्लेम को बंद करके इसको कवर कर देंगे, कवर करके 1-3 मिनट इसको छोड़ देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त पॉपकॉर्न, बिल्कुल बाजार जैसे, कोई पहचान भी नहीं सकेगा आप घर में बनाए। बच्चों को स्नैक्स टाइम पे आप 4-5 मिनट के अंदर ये बना सकते, बिल्कुल टेस्टी भी रहते और हेल्थी भी रहते। आप इसमें में जो ऑयल डाली उसके जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक को मैं स्प्रिंकल कर दी और थोड़ा सा चाट मसाला, बस काफ़ी है। अब इसको ऊपर नीचे मिला लेंगे। चलिए पॉपकॉर्न की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।